मिश्रा, जयपुर लखनऊ किसान नर्सरी में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। मैं आज आया हूँ अपने थाईलैंड ऑल टाइम मदर प्लांट पे, जिसमें आज हम आपको, जुलाई चल रही है, आज हम आपको दिखाएंगे उसमें हमारे पौधे तैयार हो रहे हैं। पौधों में कैरी दिखाएंगे, छोटी कैरी, बड़ी कैरी, बौर भी दिखाएंगे। आप देखिएगा इसमें कितना प्रॉफिट है, क्योंकि 12 मासी में सेम कंडीशन ये रहती है। एक तो अपनी स्थिति, जो अभी आम टूट गया, ख़त्म हो गया, ये तो फुल आएगा, और जब अब आ रहा है बौर जिसमें, अब वो आम 2 महीने बाद जब टूटेगा, 3 महीने बाद नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में, तो 30% 20 से 30% उत्पादन कम होता है, लेकिन 70% उत्पादन बढ़िया आता है। तो आप देखिएगा, हम आपको मदर प्लांट में पौधा आपको दिखाएंगे कि देखिए कितनी बढ़िया बढ़िया कैरी, कितनी छोटी कैरी, बड़ी कैरी सारी आ रही हैं। यह किसान भाइयों, मैं अनु मिश्रा, आइए ले चलते हैं आपको बागवानी की तरफ। ये देखिए किसान भाइयों, हमारा थाईलैंड मैंगो लगा हुआ है बड़ी पॉली बैग में। ये देखिए बतिया भी चालू है और बौर भी है। ये देखिए फ्रूट भी लगा हुआ है। ये देखिए ये थाईलैंड मैंगो है हमारा। इसका जो साइज है कम से कम दशहरी के टाइप में होता है। ये 12 मासी होता है, साल में 2 बार आप इससे फसल ले सकते हैं। ये देखिए आज 20 जुलाई 2022 हो गई है, देख लीजिए काफ़ी बौर लगा हुआ है। ये देखिए ये 2 महीने बाद फिर फल तैयार हो जाएगा। तो किसान भाइयों, जो थाईलैंड मैंगो की, 12 मासी मैंगो की जो बागवानी करना चाहते हैं, वो देख लीजिए साइज़ देखिए। ये खुद की हमारी नर्सरी पे खुद का मदर प्लांट है, खुद ग्राफ्टिंग करते हैं, एक भी पौधा आपका मिक्सचर नहीं होता है, 100% गारंटी में पौधा देते हैं किसान भाइयों को भी, नर्सरी वाले भाइयों को भी। ये देख लीजिए ये हमारा थाईलैंड मैंगो है। ये देखिए अभी 1500 पौधा लगा हुआ है, वो गाड़ी लोड हो रही है, गाड़ी लोड करवा रहे हैं, भेज रहे हैं। ये देखिए ये देख लीजिए किसान भाइयों, थाईलैंड मैंगो। ये इसका जो साइज़ होता है वो दशहरी टाइप में, मतलब 600 ग्राम तक, दशहरी से ज़्यादा निकल जाता है, आम्रपाली से ज़्यादा। ये देखिए ये थाईलैंड मैंगो की वैरायटी हमारे पास एक नंबर की। किसान भाइयों जो बगीचा लगाना चाहते हैं, बढ़िया है, 12 मासी साल में 2 बार देता है, आराम से इनकम कर सकते हैं। और एक चीज़ हम बता दें, प्लस पॉइंट आपको बताते हुए, ये नर्सरी वाले कोई नहीं बताते हैं, हम बताते हैं आपको, जो अपना सीज़न है गर्मियों का जिसमें आम चालू होता है, उसमें तो आपको भरपूर मिलेगा, लेकिन जो 12 मासी इसको बोलते हैं, जो नेक्स्ट सीज़न जो आ रहा है इस टाइम, तो इस टाइम में 30 से 40% मतलब 30% मानिए 25 से 30% उत्पादन आपका घट जाता है, तब भी 60% उत्पादन रहता है, आराम से आप बढ़िया कमाई कर सकते हैं। ये देख लीजिए ये सारा थाईलैंड ग्राफ्टिंग है। ये देख लीजिए ये देखिए आज जुलाई हो गई है और आम ख़त्म है इसमें, देखिए आम तैयार हो रहा है, ये 1-2 महीने बाद टूटने के लायक हो जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कितना प्रॉफिट होगा आपको। राम राम। देखा ना, यही अपना काम है, हमने आपको मदर प्लांट भी दिखाया, पौधे भी दिखाए, बड़ी पॉलीथीन में पौधे शिफ्टिंग भी दिखाई है। बड़ी पॉलीथीन में इसलिए करते हैं, मान लीजिए कुछ पौधा हम रोक लेते हैं, 5-6 हज़ार 10 हज़ार पौधा, तो ये आपका 4-5 महीने में कम से कम इसी हाइट में देते हैं, और जो बड़ी पॉलीथीन होगी ग्रोथ बढ़िया होगी। देख लीजिए ये सारा अपना मदर प्लांट लगा हुआ है, आपने आपको मैंने दिखाया भी सारा कुछ, सारा समझाया, क्योंकि इसमें प्रॉफिट, यही प्रॉफिट बहुत बढ़िया है अगर आप, लेकिन बस मेन बात आप खुद जानते हैं, बागवानी सबसे बढ़िया कमाई का जरिया है, लेकिन इसके बारे में जानकारी होनी आवश्यक है, छोटी से बड़ी दोनों जानकारी आप जब तक नहीं लेंगे कुछ नहीं हो सकता, इसके बारे में जानकारी नहीं होगी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जी हाँ किसान भाइयों, मैं अनु मिश्रा,
जयपुर लखनऊ किसान नर्सरी में आपका फिर से स्वागत करूंगा एक नई खेती एक बागवानी के रूप में। इसके लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत। और किसान भाइयों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो अच्छे किसान भाइयों पर किसान भाइयों ग्रुप में शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। ये लगातार आप ही के लिए हम लोग लगे रहते हैं परमानेंट, पूरे पूरे मतलब राजस्थान, हरियाणा, यूपी, एमपी सारे स्टेट हम अकेले खुद देखते हैं, खुद दौड़ते हैं। हम बंदे भी भेजते हैं, 10 से 15 साल पुराने बंदे भी हैं, वो भी हम भेजते हैं। अगर आप बंदा चाहिए बंदा ले लीजिए, सबसे बढ़िया वो सीखे होते हैं, आपसे कोई हेडेक नहीं। बस मेन बात आप खुद जानते हैं, जब तक मालिक अपने कॉन्फिडेंस में नहीं होगा, मालिक खुद नहीं जाएगा वहाँ पे, लेबर कुछ नहीं कर पाएगा। अगर हमारे आप बंदे लेंगे तो सीखे होते हैं, मान लीजिए आप नहीं जाते तब भी हम खुद लगे रहते हैं आपसे ज़्यादा। जी हाँ किसान भाइयों, राम राम।